वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नीतू आरा ब्लॉग्स। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि आज आपको दिख रहा है कि मैंने साड़ी वगैरह पहनी है, और ये क्यों पहनी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि गाइस आज है वट सावित्री, तो मेरा फास्ट है, तो वट सावित्री का व्रत है। और सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ, और माँ सावित्री माँ सब पर कृपा बनाए रखे, सबका सुहाग अखंड रखे, यही मेरी माँ से प्रार्थना है, सबके घर में सुख शांति रहे। तो गाइस आज ही के दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से छुड़ाया था, तो उन्हीं के तब से ही ये व्रत चला आ रहा है। तो तब से ही हमारे कुमाऊं में तो बहुत प्रचलन है इसका, वट सावित्री व्रत का। इस दिन वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा का धागा बांधा जाता है। वट वृक्ष में मतलब कम से कम 7 बार तो होता है आप बांधा जाता है, हम लोग 7 बार ये बांधते हैं कलावा। तो इस तरह से और उनकी पूजा की जाती है, उसमें वस्त्र वगैरह श्रृंगार जो भी होता है सब कुछ चढ़ाते हैं चढ़ावा। और तो फिर मैं उसी के लिए रेडी हुई हूँ, और जो भी मैंने पहना हुआ ये हमारा कुमाऊनी पिछवाड़ा है, जो कि हमारे हर कुछ भी मतलब शुभ काम होता है, पूजा पाठ वगैरह या फिर शादी विवाह, तो इसको ज़रूर पहनते हैं। तो मैं एक यहाँ भी ले आई थी, मेरे पास 3 पड़े हैं, तो एक मैं यहाँ ले आई हूँ इसको, क्योंकि कभी कभी पूजा पाठ में पहनने के काम आता है। और बाकी नाश्ता वगैरह हो गया आरोग्य स्कूल, आज नाश्ते में बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी जो इन लोगों ने कर ली है, बाकी सारा काम पड़ा हुआ है, अभी मैंने पूजा नहीं की है। अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस अब मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, और ये तो जाने लग गया ऑफिस को, और अब मैं करती हूँ आराम से पूजा। और ना यहाँ पर वो जो वट वृक्ष है वो बहुत दूर था, पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं है, तो यहाँ सब लोग वो टहनी बांट रहे थे कोई, तो मैंने भी वही मंगाई है। तो मैं घर में आराम से बैठ के पूजा करती हूँ, और फिर मिलूँगी आपसे। तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ मंदिर पे, और मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और ना गाइस ना आरव घर पे, ना इसके पापा हैं, वो ऑफिस चले गए और आरोग्य स्कूल, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, वरना मैं अपनी पूरी पूजा मतलब मैं कैसे मैं करती हूँ मैं आपको जरूर दिखाती, बट अभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग के साथ अपना ये व्रत मैंने कैसे किया आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वट सावित्री की व्रत कथा वाली जो किताब है, और अब ये टीका वगैरह लगा के तो फिर मैं ये किताब पढ़ती हूँ, पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको। उनको जो वट वृक्ष में जो उड़ाया जाता है वो चुनरी उड़ाते हैं, और ये श्रृंगार वगैरह जो भी होता है ये सब उड़ाया जाता है। और उसके साथ और ये ना ये दो ये मैं पूजा के बाद एक अपने गले में पहनूंगी, और एक वट वृक्ष में चढ़ाऊंगी, पहले उनको स्पर्श करा के फिर अपने खुद को पहनूंगी एक को, और एक को चढ़े रहने दूंगी। तो फिर और बाकी मैंने दिया वगैरह यहाँ पर तैयार कर लिया है, और फिर उसके बाद में जब पूजा हो जाती है उसके बाद बांधते हैं कलावा। मैं छोटा सा इसलिए लाई क्योंकि मैं गमले में ही कर रही हूँ, तो फिर वो छोटी सी टहनी है तो उसमें 7 बार के लिए काफ़ी है, तो इसलिए मैं ये छोटा सा लेके आई। तो मैं कर लेती हूँ गाइस पूजा। तो गाइस पूजा वगैरह भी मैंने अच्छे से कर ली है, और ये जो धागा है ये आज के दिन पहनते हैं वट पूजा के बाद, तो जो मैंने पहन लिया है, और एक यहाँ पे पूजा में चढ़ाते हैं वो चढ़ा दिया, और दूसरा प्रतिष्ठित करके पहन लिया है, क्योंकि लोग तो इसको बहुत मतलब बहुत और भी विधान है, बट मेरे से सिंपल जैसा होता है मैंने किया। मेरा मानना है कि कुछ भी हो पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए, जैसा आपको आता है अगर वो मन से करो तो पूरी होती है। तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी आस्था है, और तो वैसे लोग करते हैं,
बाकी जैसा भी मुझसे होता था जितना मुझे मैं करती आई हूँ वो मैंने कर लिया है। और तो अभी तक मैंने पानी वगैरह नहीं पिया है क्योंकि मैं जब व्रत वगैरह इसका व्रत करती हूँ तो इसके बाद पूजा के बाद ही जल वगैरह पीती हूँ। गाइस पूजा वगैरह कर ली है, पूजा करके और मैंने चेंज भी कर लिया और मैं अपने फिर से कुर्ते में आ गई हूँ क्योंकि साड़ी में ना आदत नहीं है तो अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि घर का काम करने में। अभी मेरा किचन भी सब ऐसे ही पड़ा है और बनाती हूँ अपने लिए चाय, आपको दिखाती हूँ। मेरा किचन पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने पूजा करी, उसके बाद इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराया था तो ये देखो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको साफ करती हूँ, बर्तन भी सिंक में पड़े हैं तो पहले किचन क्लीन करूँगी फिर बनाऊँगी अपने लिए चाय, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर रख दी मैंने चाय अपने लिए और यहाँ पर रख दिया दूध बॉईल करने के लिए। तो गाइस अभी चाय पी के फिर करूँगी मैं खाना बनाने की तैयारी क्योंकि ये लोग भी आ जाएंगे दिन में, तो फिर जल्दी से खाना बनाऊँगी। अभी तो टाइम है, अभी तो 12 बज रहे हैं तो अभी बहुत टाइम है, ये आते हैं 2 बजे तक तो अभी टाइम है, उसके बाद बनाती हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ अब क्योंकि मेरा काम तो थोड़ा बहुत हो ही गया है तो, और बाकी तो मॉर्निंग में ही हो गया था, इनके बस नाश्ता वगैरह का जो बर्तन थे वही रहे थे और वो सब कर लिया मैंने अब मैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 2 बज चुके हैं और आ रहा हूँ अभी 2:15 बजे, 2:20 में पहुँचता है यहाँ पे और इसके पापा भी तभी आते हैं उसको लेते हुए, तो फिर मैंने खाना रेडी कर दिया है। तो गाइस इसमें दाल है और इसमें चावल है और बाकी सुबह के बर्तन अभी हटाए नहीं, इसमें गीले ही हैं, तो खाना बन गया है। बस ये लोग आ जाएं फिर खाना देके किचन वगैरह जो भी क्लीन गैस वगैरह कर दूंगी और अपने लिए कट कर लेती हूँ फ्रूट्स, मैंने ग्रेप्स मंगाए थे ना तो वो मैं खा लेती हूँ। तो गाइस ये तो मैंने मंदिर के लिए रह दिया रायता और ये सब कुछ पूड़ी वगैरह और मैं इसका मंदिर में अभी भोग लगाऊंगी और बाकी एक सब्जी इसमें है रस वाली वो मैंने नहीं रखी मंदिर में। तो गाइस अब टाइम भी बहुत हो चुका है, 8 बजने वाले हैं और इसके पापा आरती करने लगे हैं तो मैं भी मंदिर में भोग लगा के आरती करती हूँ उन्हीं के साथ और इस ब्लॉग को भी गाइस एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।